सपा कुनबे में शहर शहर बगावत का दौर जारी। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने दिया इस्तीफा। प्रयागराज से भी कई नेताओं ने जताया विरोध। नाराज सांसद सुखराम सिंह यादव का बयान, यही रही कार्यशैली तो उठाना होगा नुकसान। कॉमन सिविल कोड के पक्ष में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए करेंगे आंदोलन। लोहिया और अंबेडकर जी ने जो सपने देखे उसे करेंगे पूरा। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, गांधी शांति प्रतिष्ठान में अयोध्या पर्व में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। आगरा में युवती को भगाने के मामले को लेकर बवाल, नाराज भीड़ ने आरोपी युवक के घर में लगाई आग। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी पर किया हमला। इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिसकर्मी पर कुकनी मारने का आरोप। एटीएस ने पूछताछ के दौरान किए सख्त इंतजाम। यूपी में अवैध निर्माण पर जारी है बुलडोजर का वार। कासगंज में ग्राम समाज की 1 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त। उन्नाव में भी ग्राम समाज की जमीन पर कार्रवाई के बाद हटा कब्जा।